गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मेरी आवाज आ रही है? रेज योर हैंड्स, कैन यू हियर मी? ओके फाइन. हम चैप्टर कर रहे थे एज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि प्योरिटी से हम क्या समझते हैं कि कोई उसमें अडल्ट्रेशन ना हो. ऐसा समझता है एक आम इंसान कि प्योरिटी का मतलब है कि उस चीज में कोई ऐसी चीज ना हो जो हमें चाहिए नहीं, हमारी हेल्थ के लिए ठीक ना हो. लेकिन वैसे प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं पता है? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू यू? कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है? उस अमृत सिंह, अमृत सिंह किसका नाम है बेटा? प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी व्हाट इज प्योरिटी, व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, कैन यू टेल मी? यस प्लीज टेल, व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? आई कांट हियर यू, कुछ बोल रहे हो आप? नो बेटा, यो आई थिंक योर माइक इज नॉट वर्किंग, प्लीज चेक इट. आई कांट हियर यू, बोलो पता है आपको क्या होता है प्योर सब्सटेंस? हेलो नो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज गो एंड सच, आई विल टेल यू व्हाट इज. अच्छा, दिस गर्ल इज रेजिंग हैंड इन फ्रंट रो, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. यस वेरी गुड. प्योर सब्सटेंस हम, प्लीज सच, प्योर सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनता है, उसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल नहीं होते हैं. ठीक है, देखो डेफिनेशन जिसको नहीं पता है. इट सेज प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. कोई एग्जाम्पल बता सकते हो प्योर सब्सटेंस का? मिनरल रिपीट प्लीज. वाटर, मिनरल मिनरल वाटर वो प्योर सब्सटेंस की, उसमें तो बहुत सारे मिनरल्स हो जाएंगे फिर, है ना? हाँ जी, वाटर. एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. अगर आप वाटर की बात करो, वाटर भी प्योर सब्सटेंस होता है. वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है. कंपाउंड क्या होता है? जिसमें जिसमें एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं. तो वाटर में, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 की रेशियो में कंबाइंड होते हैं. तो ये फिक्स्ड रेशियो है. किसी भी सोर्स से पानी लोगे तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है दैट विल रिमेन फिक्स्ड, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो वेल से आया हुआ वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो. वाटर मींस कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है दैट शैल ऑलवेज बी 1:8. और ये रेशियो एटम्स की नहीं, उनके मास की होती है. हाइड्रोजन का मास है 1 और ऑक्सीजन का मास है 16. तो H2O में दो हाइड्रोजन है आपके पास और एक ऑक्सीजन है, तो ये मास की रेशियो 2:16 हो जाती है.
और इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में करोगे तो ये हो जाएगी 1:8। ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वॉन्ट। अनदर एग्जाम्पल जो आप प्योर सब्सटेंस का दे सकते हो, दैट इज डायमंड। कार्बन होता है वो, तो डायमंड एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे प्योर सब्सटेंस की। यू कैन से दैट प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। उसको उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड थ्रू फिजिकल फिजिकल और केमिकल मीन्स। उसको किसी फिजिकल या केमिकल मीन्स से, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी या केमिकल प्रॉपर्टी, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड थ्रू फिजिकल और केमिकल मीन्स। और क्या जानते हो प्योर सब्सटेंस के बारे में, और कुछ बता सकते हो प्योर सब्सटेंस के बारे में? और कोई पॉइंट बता सकते हो या और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? एनी अदर एग्जाम्पल? कितने एलिमेंट्स आपको पता है टोटल पीरियोडिक टेबल में, कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको कार्बन बताया, तो कार्बन सिर्फ एक एलिमेंट है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी आपको एलिमेंट्स के पता हैं, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, ओके। आपको एटम और मॉलिक्यूल, इसमें डिफरेंस पता है? एटम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? टेल मी हुज जसकरण। जसकरण प्लीज रेज योर हैंड्स। जसकरण कौन है, प्लीज रेज योर हैंड बेटा। एब्सेंट है, ओके। प्रणव कौन है? प्रणव हाँ जी, प्रणव कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एन एटम? एटम किसको बोलते? इंडिविजुअल एटम्स आर पार्टिकल्स। इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ओके प्लीज सेट, मैं बताती हूँ आपको। गुड, इनडिविजिबल पार्टिकल है एटम, ऐसा डाल्टन ने कहा था। एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम के बारे में बताया था। तो उन्होंने ये बोला था कि एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एटम को आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल सकते हो। दिस इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मगर ये इनडिविजिबल नहीं है। ये डिवाइड हो सकता है छोटे पार्टिकल्स में या सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। जो कि है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूट एटम, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको कहा जाता है। ठीक है, एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। आपको पता है एटम दिखता कैसे है, कैसा दिखता है एटम, क्या
क्या शेप होती है एटम की? स्फेरिकल। ठीक है, तो एटम कैसा दिखता है? एटम के सेंटर में इस पोर्शन को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, और साइड में ऐसी शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स या शेल्स इनको बोलते हैं, जिनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो आपकी फर्स्ट शेल है उसको के शेल बोलते हैं, सेकंड शेल को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8। आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा है? बताओ, पीरियोडिक टेबल देखा है? यस और नो, रेज योर हैंड जिन्होंने पीरियोडिक टेबल देखा है। कभी नहीं देखा पीरियोडिक टेबल कहीं पे? ओके, नहीं देखा। ओके, मैं आपको बताती हूँ पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है। जैसे अभी आपने बोला कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, तो वो 118 एलिमेंट्स ऐसे शेल्स में अरेंज्ड होते हैं। टोटल हमारे पास ये जो स्फेरिकल एटम हमने बनाया, सॉरी, ऐसे एटम में टोटल 7 शेल्स होती हैं, जहां तक हम एलिमेंट्स को डिस्कवर कर चुके हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 शेल्स तक हम एलिमेंट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, और जो इन 7 शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो 118 एलिमेंट्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 7 शेल्स हैं इनको टेबल में ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अरेंज किया है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स, दे आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसका टोटल करोगे तो 118 आ जाएगा। और पीरियोडिक टेबल में ये कुछ ऐसे दिखता है आपको। ओके, दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर नीचे एक अलग ब्लॉक होता है, 2 लाइंस है यहाँ पर, और 14 14 एलिमेंट्स हैं एक एक लाइन में। ठीक है बेटा, आपको एटॉमिक नंबर कहाँ तक आते हैं पता है? एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नहीं, एलिमेंट्स के नाम बता सकते हो मुझे, जो जो एलिमेंट्स आपको पता है? एनी वन ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड जो मुझे बताएगा कितने एलिमेंट्स के नाम आपको पता है। एक तो मैंने ही बताया था, कार्बन एक एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट का नाम पता है?
वन ऑफ यू कम फॉरवर्ड, कम क्लोज टू द माइक एंड टेल मी व्हिच एलिमेंट्स डू यू नो. डू यू नो हाइड्रोजन? सुना है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन गैस होती है ना, सुनिए. ओके, हीलियम सुना है, जो हम बलून में फिल करते हैं, वो जो हवा में ऊपर उड़ जाता है, ठीक है. लिथियम आपने में भी नहीं सुना होगा, बेरिलियम में भी नहीं सुना होगा. फिर होता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन सुना होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. वेरी गुड, यही पूछ रही थी तो मैं, ठीक है. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम. यहाँ तक तो सबने सुना है. थोड़ा सा जब आप और पढ़ोगे अगली क्लास तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है. ये आयरन सुना होगा आपने, कॉपर सुना होगा, जिंक सुना होगा. इन एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे. ये पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से टोटल 118 एलिमेंट्स, 7 शेल्स में. फर्स्ट शेल में दो एलिमेंट्स हैं, देखो 1 और 2. ये सेकेंड शेल है, ठीक है, इसमें टोटल 8. जो 8 डॉट्स आप भरते हो वो इन एलिमेंट्स के लिए है. हर एक एलिमेंट के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन. इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन. इसके पास 3, इसके पास 4. इसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है. जो आप 1 to 20 तक याद करते हो एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि उस एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. समझ आया? ठीक है. और जो स्फेरिकल एटम की आप शेल्स बताते हो, ये शेल्स, ये शेल, ये फर्स्ट शेल, के शेल जो है ये वाली है, जिसमें दो डॉट्स लगा के आप दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हो. ये सेकेंड शेल, ये एल, जिसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 डॉट्स, इनके लिए वो एक एक डॉट जो है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनका बढ़ता रहता है. तो हर एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको उसका अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके जितने उसका पास एटॉमिक नंबर है, उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उतने डॉट आप इसमें लगाते हो. जो डॉट होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन्स यहाँ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. समझे? ये आपके पास एलिमेंट. फिर हमने कंपाउंड पढ़ा, फिर आपने मिक्सचर सुना होगा. मिक्सचर सुना है? टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं. कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, ठीक है. होमो, होमो का मतलब होता है सेम. तो होमोजीनियस मिक्सचर में सेम रहती है कॉम्पोजिशन, उसके कंपोनेंट्स की थ्रू आउट सेम रहेगी. और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती है, ठीक है. फिर हम करते हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. कंपाउंड हमने पढ़ा, वाटर एक कंपाउंड है, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, वो एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है. तो कंपाउंड में रेशियो फिक्स्ड रहती है, क्या मिक्सचर में रेशियो फिक्स्ड रहती है? नहीं, मिक्सचर में जो चीजें मिक्स होती हैं, उनकी रेशियो फिक्स्ड नहीं होती है. तो हम लिखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस. ठीक है, तो जैसे कंपाउंड का हमने किया कि कंपाउंड में क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, वाटर, ठीक है. तो कंपाउंड में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है. तो आप लिख सकते हो दैट
इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक दूसरे के साथ इनका केमिकल कॉम्बिनेशन है, मतलब ये बॉन्ड बनाते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। पहले क्या होता है, ये हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, लेकिन जब ये वाटर बनाते हैं तो आपस में केमिकली इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, और इसको ऐसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको वाटर दे दूं और बोलूं कि बेटा इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करो, तो आप नॉर्मली वाटर के कंपोनेंट्स को ऐसे अलग नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन अलग कर दिया, ठीक है? आपको उसमें से क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब जाके हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा, ओके बेटा? देन कमिंग टू मिक्सचर, इसमें चीजें केमिकली कंबाइन नहीं करती। मिक्सचर में जो चीजें हैं वो फिजिकली कंबाइन करती हैं, उनको हमें इलेक्ट्रिसिटी देके या किसी ऐसे सोर्स से नहीं सेपरेट करना पड़ेगा। हम अपने नॉर्मल मेथड से भी, एक इजी मेथड से भी उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। आप लिख सकते हो, मिक्सचर्स आर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड Which are formed by physically mixing two or more substances, दो या दो से ज्यादा substances को जब हम physically mix करते हैं, that is called mixture, ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस है कंपाउंड का और मिक्सचर। ओके, उस भावना फ्रॉम 9th B, कोई और डिफरेंस बता सकते हो मुझे मिक्सचर और कंपाउंड का? हाँ जी बोलो, एक पॉइंट बोलो। मिक्सचर और कंपाउंड का कोई और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता सकते हो, या जो मैंने बताया वो वाला बता दो? क्या बताया मैंने बोलो, इनमें से कौन सा केमिकली कंबाइन करता है और कौन सा फिजिकली कंबाइन करता है, बता सकते हो? ध्यान से सुना करो बेटा, बोलो, कोई आइडिया है, कुछ भी सोचो क्या हो सकता है। इनमें से कौन सा केमिकली कंबाइन करेगा, कौन सा फिजिकली कंबाइन करेगा? केमिकली कंबाइन करने का मतलब है कौन प्रॉपर बॉन्ड बनाएगा जिसको आप नॉर्मल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते, और कौन बॉन्ड नहीं बनाता है जिसको आप नॉर्मल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, बोलो। कंपाउंड कंपाउंड कैसे करता है कंबाइन, बोलो। केमिकली या फिजिकली? केमिकली, केमिकली ठीक है, वेरी गुड। चलो, सिर्फ कंपाउंड केमिकली कंबाइन करता है और मिक्सचर फिजिकली कंबाइन करता है, राइट? अगर मैं बोलूं इनमें से कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर है, कौन बताएगा मुझे कौन सा प्योर सब्सटेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में से और कौन सा इम्प्योर है? रेज योर हैंड्स, किसको पता है? ओके,
सिर्फ दो बच्चों को पता है क्या? हु इज दिलप्रीत ऑफ 9th A? दिलप्रीत ऑफ 9th A? कम फॉरवर्ड बेटा, कैन यू टेल मी विच वन ऑफ दीज इज अ प्योर सब्सटेंस एंड विच वन इज इम्प्योर सब्सटेंस? यस बेटा, विच वन ऑफ देम इज अ प्योर सब्सटेंस? कौन सा प्योर है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर इज प्योर सब्सटेंस. वेरी गुड, प्लीज गो एंड सेट. ओके, हु इज अमृत सिंह? अमृत सिंह फ्रॉम 9th A? हाँ जी बेटा, आप मुझे बता सकते हो इनमें से होमोजीनियस कौन है और हीटरोजीनियस कौन है? होमोजीनियस कौन सा है इनमें से जिसकी सेम कॉम्पोजिशन होगी थ्रू आउट कंपाउंड? क्या मिक्सचर होमोजीनियस नहीं हो सकता? मिक्सचर होमो और हीटरो दोनों हो सकता है, लेकिन कंपाउंड जो है वो सिर्फ होमोजीनियस है. दिस कैन बी होमोजीनियस एज वेल एज हीटरोजीनियस. ठीक है, गुड, प्लीज गो एंड सेट. तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, कंपाउंड कैन बी होमोजीनियस ओनली बट मिक्सचर कैन बी होमो और हीटरो बोथ. ओके, एलिमेंट्स में जो पीरियोडिक टेबल है मैंने आपको बना के दिखाया था, उसमें से मोर देन 70% मेटल्स हैं और थोड़े से नॉन मेटल्स हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल सुना है आप लोगों ने? कौन मुझे मेटल की प्रॉपर्टीज बता सकता है कि मेटल ऐसा होता है? कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज मुझे मेटल की बता सकता है? बॉयज में से कोई पीछे से, एनी बॉय प्लीज कम फॉरवर्ड. यस प्लीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कैसे आप कैरेक्टराइज करते हो कि ये मेटल है और नॉन मेटल है? मेटल इज लस्ट्रस, मेटल इज हार्ड एंड इट इज डक्टाइल. वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज गो एंड सिट. वेरी गुड बेटा, तो मेटल क्या है? लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, सोनरस होता है, आवाज करता है. जैसे कॉइन्स होते हैं ना, आवाज करते हैं. ठीक है, गोल्ड होता है, ग्लिटर होता है, ठीक है, लस्ट्रस होता है वो. फिर आप एल्यूमिनियम की फॉइल यूज करते हो खाना पैक करने के लिए, उसका क्या मतलब? वो मेलिएबल है, आप उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. कॉपर की वायर्स यूज होती हैं, एसी में कभी देखा होगा आपने या वैसे वायर्स देखी होंगी, तो वो क्या है? वो डक्टिलिटी है. जो वायर्स हैं वो डक्टाइल, अगर किसी को, किसी मेटल को आप वायर्स के फॉर्म में शेप कर सकते हो तो उसको बोलते हैं उसका डक्टाइल होना. एंड नॉन मेटल्स कैसे होते हैं फिर? इसके ऑपोजिट होते हैं. वो मेलिएबल नहीं है, वो डक्टाइल नहीं है, वो ब्रिटल हैं, ठीक है, वो शाइनी नहीं होते. कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, पर जनरली नहीं होते. और मेटलॉइड कौन होते हैं फिर? मेटलॉइड, मेटलॉइड वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं. ठीक है, वो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ वो रिएक्ट कर पाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में होती है. कुछ प्रॉपर्टीज उन वो मेटल्स की एग्जिबिट करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, आपने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा होगा. ठीक है, आपने पढ़ा है एक
फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। क्या डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में? फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर जो हमने पढ़ा ना, सॉलिड लिक्विड गैस, सिर्फ इसमें चेंज होता है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो फिजिकल चेंज का? वेरी गुड। जैसे कहता कि आप वाटर ट्रे में फिल करके अगर फ्रीजर में रखते हो तो थोड़ी देर में वो लिक्विड से सॉलिड बन जाती है। वापस उस ट्रे को बाहर रखते हो, वो सॉलिड से वापस लिक्विड बन जाती है। लेकिन है तो वो पानी ही, चाहे लिक्विड स्टेट में है चाहे सॉलिड स्टेट में है। तो वो कोई नई चीज नहीं बनी। जब भी केमिकल चेंज होता है कोई नई चीज बनती है, ठीक है, जो पहले नहीं थी। नए बॉन्ड बनते हैं, आपस में जुड़ जाता है वो, ठीक है। जैसे कि वाटर को फ्रीज करना या मेल्ट करना तो फिजिकल चेंज है, लेकिन जब आप वाटर बनाते हो तो वो केमिकल चेंज है। वाटर में वाटर कैसे बनेगा? हाइड्रोजन गैस लोगे, ऑक्सीजन गैस लोगे। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग ही हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज दूसरी अलग हैं। और जो बनेगा वाटर, वो ऑल टुगेदर इन दोनों से अलग है। एक तो वो लिक्विड है और उसकी प्रॉपर्टीज ना हाइड्रोजन से मैच करेंगी और ना ऑक्सीजन से, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन कर गया है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता ये, आपको स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब जाके ये कंबाइन करेगा, नहीं तो एटमोस्फेयर में जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है वो मिलके वाटर बनाती रहती, ठीक है। जो फिजिकल चेंज है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आपको पता लग जाता है कि कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, या फिर कलर चेंज, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। मतलब जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो, अगर कोई गैस उसमें से निकल रही है तो मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। गैस कैसे निकलती है? मान लो हाइड्रोजन गैस है। अब मुझे कैसे पता हाइड्रोजन गैस है? मैं अगर मैच स्टिक उसके आगे रख दूंगी ना, जहां गैस निकल रही है, तो ऐसे पॉप पॉप साउंड आती है। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो लाइम वाटर होता है एक, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से जब रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है तो हमें लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ हीट का क्या मतलब है? कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं सॉरी जिसमें हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उनको हम बोलते हैं, जिसमें से हीट निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हो रहा है। कुछ एंडोथर्मिक भी होते हैं जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, पर एक्सोथर्मिक में हमें पता लग जाएगा बहुत आराम से कि हीट इवॉल्व हुई है तो केमिकल चेंज हुआ है। कलर चेंज, जैसे कि आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लोगे, AQ मीन्स एक्वस, जब वाटर में डिजोल्व करते हो कॉपर सल्फेट को, इसमें अगर आप आयरन का ब्लेड पुट करते हो तो क्या होगा? आपको ये ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ये ब्लू कलर से कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट्स आप पढ़ते हो इनमें कुछ एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं जो फटाफट रिएक्ट करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक सीरीज होती है इनकी,
जिनमें हमें इनको याद करना होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। जैसे जो एलिमेंट्स आपने सुने, आपने पोटेशियम सुना है, सोडियम सुना है, कैल्शियम सुना है, मैग्नीशियम सुना है, एल्यूमिनियम सुना है, जिंक सुना है, आयरन सुना है, टिन, लेड। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। इसको याद रखते हैं हम ऐसे, केदार नाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है, ठीक है। ये सीरीज है इन एलिमेंट्स की, जिसमें आपको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। इससे हमें पता चल जाता है कि कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन के साथ जब उसका रिएक्शन कराते हैं तो आयरन इसको यहाँ से धक्का मार के खुद सल्फेट आयन के साथ लग जाता है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट, जिसका कलर ब्लू था, वो ग्रीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, मगर ये तो आपको, ये रिएक्शन 7th क्लास में भी है, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स मेटालिक है नेचर में, और उन मेटालिक एलिमेंट्स में से भी जो कुछ ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है, ठीक है। ये सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस आप याद कर सकते हो, आगे तक काम आएगा आपको, ठीक है। चलो अभी असाइनमेंट कर लेते हैं, टेक आउट योर असाइनमेंट। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाली असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। कंपाउंड मैंने बताया, कंपाउंड हम उसको बोलते हैं जिसमें एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करती हैं। तो आप मुझे बता सकते हो, इनमें से क्लोरीन गैस क्या कंपाउंड है? इज इट अ कंपाउंड? नो, क्लोरीन गैस इज नॉट अ कंपाउंड। सी, जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये होमो अटोमिक भी हो सकता है और हीटरो अटोमिक भी हो सकता है। मतलब क्या है इसका? होमो का मतलब वही कि सेम, हीटरो का मतलब डिफरेंट। तो अगर सेम एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ये देता है होमो अटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ये होमो अटोमिक मॉलिक्यूल है। और एक हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो हीटरो अटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। तो बताओ कौन बताएगा मुझे फर्स्ट का आंसर, कौन कौन कंपाउंड्स हैं इसमें? Cl2 गैस कंपाउंड है या नहीं है? क्या पोटेशियम क्लोराइड कंपाउंड है? कार्बन कंपाउंड है? आयरन सल्फाइड कंपाउंड है? ओके, तो आयरन सल्फाइड को टिक कर लो। एल्यूमिनियम कंपाउंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है? नो। सल्फर पाउडर कंपाउंड है? नो, सल्फर एलिमेंट है, ठीक है, बस उसका पाउडर बना दिया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। टू केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी विच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई। एक्स प्लस वाई गिव्स पी। एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू
simpler substances by simple chemical reaction. Which of the following concerning the species X, Y and P are correct? अब इसको इमेजिन करो जैसे हमने वाटर को किया था. तो जैसे मैंने आपको बताया वाटर बनता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, ठीक है. तो अगर ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है और ये आपका पी है, तो बताओ जरा इज पी अ कंपाउंड? यस. एक्स एंड वाई कंपाउंड है? नो. एक्स एंड वाई एलिमेंट्स हैं? पी की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है? तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? ओके. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सब्सटेंसेस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस ए टू बी. अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन 2A plus B gives A to B. Which of the following statement concerning this reaction is incorrect? First है, the product A to B shows properties of substances A and B. क्या ये true है? मैंने आपको बताया था ना जब water आप combine करते हो hydrogen की properties अलग ही है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग ही हैं, वाटर ऑल टुगेदर अलग, तो सब अलग अलग कंबाइन करने के बाद वो एक नई चीज बना देते हैं, ठीक है. तो इनकी प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग है. सेकेंड पॉइंट कहता है द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. इज दिस ट्रू? कंपाउंड की हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहती है. इसकी डेफिनेशन भी जब भी आपको पूछी हो आपने यही बोलना है कि कंपाउंड में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड उसकी रहती है एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन. थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड. क्या हम प्रोडक्ट को कंपाउंड बोल सकते हैं? यस, हम बोल सकते हैं. एंड फोर्थ स्टेटमेंट सेज द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट. क्या प्रोडक्ट एक एलिमेंट है? क्या है फिर वो? कंपाउंड. सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ओके. अच्छा, हूज महेश्वरी? महेश्वरी. आप बेटा मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओगे. क्वेश्चन है ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये कहता है आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको हीट करते हो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. Question is this physical or chemical change? What type of change is it? बताओ physical या chemical? Chemical change. Chemical change. Okay. Second question कहता है can you prepare one acidic and one basic solution by using the products formed in the above process? If so, write the chemical equation involved. आप बस मुझे ये बताओ आपको पता है मेटल के कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक या बेसिक? मेटल के कंपाउंड्स दे आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है. तो ये इक्वेशंस आप इतने नहीं बना पाओगे पर एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी, प्लीज गो एंड सर्च बेटा, वेरी गुड, कि जो भी मेटल की ऑक्साइड्स हैं या मेटल की हाइड्रोक्साइड्स हैं
या मेटल के कार्बोनेट्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, राइट? और जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या कार्बोनेट्स वगैरह जो भी हैं, वो होंगे एसिडिक इन नेचर, ठीक है? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रस्टिंग। रस्टिंग के बारे में पढ़ा है आपने? कौन सा एलिमेंट की रस्टिंग पढ़ी है? आयरन। आयरन की। तो रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रस्टिंग ऑफ आयरन को? करोजन, ठीक है। सो करोजन एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? फिजिकल या केमिकल? करोजन एक केमिकल चेंज है, ठीक है, जिसमें जो आयरन है, करोजन का क्या मतलब होता है, आयरन का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है? वो क्या होता है, आयरन से Fe2O3 ये बन जाता है, ये रस्ट है, जो करोजन बोलते हैं ना, ये रस्ट का फॉर्मूला है। तो देखो केमिकल रिएक्शन है ना, ये एयर, जो ऑक्सीजन होती है एयर में और जो मॉइस्चर होता है उसके साथ कंबाइन करके आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो रस्ट बना लेता है, ठीक है? Fe2O3 ये फॉर्मूला है रस्ट का, तो वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ आयरन या ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, कौन सा इनमें से फिजिकल चेंज है, बोलो? ओके तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट मेल्टिंग, वो भी फिजिकल चेंज है, थर्ड पॉइंट बेंडिंग, वो भी फिजिकल चेंज है, फोर्थ पॉइंट ड्रॉइंग, वो भी फिजिकल चेंज है, लेकिन रस्टिंग एक केमिकल है, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट हूज मंजोत, मंजोत कौन है? हाँ जी मंजोत बताओ, आपको भी बताना है सेवेंथ क्वेश्चन में विच वन इज केमिकल चेंज, ठीक है? सो फर्स्ट ऑप्शन है डिकेइंग ऑफ वुड, डिकेइंग ऑफ वुड केमिकल है या फिजिकल चेंज है? फिजिकल, कैसे? डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना, गलना, ठीक है? उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एंजाइम्स छोड़ के उसको सड़ाते गलाते हैं, ठीक है? अगर आप वुड को कट कर रहे हो, वुड को कट करना इज फिजिकल चेंज, लेकिन अगर कोई चीज उसको सड़ा रहा है, गला रहा है, तो वो केमिकल्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो भी वो निकालते हैं वो केमिकल चेंज है, ठीक है? जैसे कूड़ा होता है ना, कूड़े में से भी स्मेल आती है आपको, है ना? तो उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, हीट इवॉल्व हो रही होती है। कभी कभी अगर आप नोटिस करोगे कि जैसे आजकल हम मैंगोज खाते हैं, अगर मैंगोज खा के जो भी गुठली और उसके छिलके हैं उसको एक पॉली बैग में अगर आप बंद कर दो, तो थोड़ी देर में उसका सड़ना गलना जब शुरू होता है, यू कैन एक्चुअली फील द हीट उस लिफाफे के बाहर, यू कैन फील द हीट, क्योंकि अंदर वो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं जो उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, डिग्रेड करते हैं, ठीक है? तो कटिंग ऑफ वुड इज फिजिकल चेंज, क्योंकि वो बस बड़े पीस से छोटे पीसेस में कट हो रहे हैं, लेकिन दिस डिकेइंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड क्या होगा, फिजिकल या केमिकल? केमिकल केमिकल चेंज, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न करेगा, तो कंबशन इज अ केमिकल चेंज। सॉइंग ऑफ वुड इज जस्ट कटिंग ऑफ वुड, तो कटिंग ऑफ वुड क्या होगा,
फिजिकल चेंज, ठीक है। सॉ होती है ना वो, आरी बोलते हैं उसको, उसे कट करते हैं वुड को छोटे पीसेस में, तो वो सिर्फ बड़े पीस से छोटे पीस में कट किया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ उसमें, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज है। हैमरिंग ऑफ नेल इनटू पीस ऑफ वुड, वो क्या प्रोसेस है? अगर आप लकड़ी के ऊपर एक आयरन नेल को हैमर करते हो, एक कील उसमें लगाते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज इट? बोलो, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा क्या? अगर आप एक कील को लगा रहे हो लकड़ी के ऊपर, तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें? नहीं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो फिजिकल रिएक्शन है, वो बस आप उसको अंदर डाल रहे हो, कोई उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं चल रही, ठीक है। ओके बच्चा, तो क्या ऑप्शन बनी हमारे पास? 3 और 4, सी ऑप्शन, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एजर्शन सेज ऑक्सीजन एटम इज अ प्योर सब्सटेंस, इज इट अ प्योर सब्सटेंस? यस, ऑक्सीजन इज नेवर फाउंड इन एनी कंबाइंड स्टेट, इज इट ट्रू? आपने सुना है, अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड वाटर बना रहा है, आयरन के साथ रस्ट बना रहा है, तो कंबाइंड स्टेट में तो है ना वो, ठीक है। तो जो आपकी एजर्शन है वो सही है कि वो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन जो आपका रीजन है दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बनेगी आपकी? ऑप्शन सी, ठीक है, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन एटम इज अ प्योर सब्सटेंस, दिस इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। तो रीजन कहता है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन इज द सेम इन इट्स केमिकल नेचर, कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन में वो सब सेम होते हैं केमिकल नेचर में, इज दिस ट्रू? क्या मतलब है कि सारी ऑक्सीजन, जितने भी एटम्स हैं पूरी दुनिया में, जितने भी ऑक्सीजन एटम है वो सब एक जैसे हैं, ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, ठीक है। सारे हाइड्रोजन एटम एक जैसे दिखते हैं, सारे ऑक्सीजन एटम्स एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस भी वही होता है जहां पर एक जैसे एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन हो। तो क्या आएगा? एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस हम उसी को बोलते हैं जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो। तो क्या ऑप्शन बनेगी इसकी? ए ऑप्शन, ठीक है। कम टू थर्ड क्वेश्चन। ओके, सोडियम क्लोराइड, सुना है पहले आपने? सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्ट को, ठीक है। तो ये कहता है सोडियम क्लोराइड इज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द मिक्सचर फॉर्म, क्या ये एक मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड? ये एक आयनिक कंपाउंड है बेटा, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। मिक्सचर ये तब बनता है अगर इसमें इम्प्योरिटीज हो और सॉल्ट्स की, मैग्नीशियम सॉल्ट की या कैल्शियम सॉल्ट की, अदरवाइज NaCl एक आयनिक कंपाउंड है अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो, ठीक है। एंड रीजन से इज सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक क्लोरीन एंड सोडियम आर कॉल्ड मिक्सचर। ये कहता है कि अगर दो चीजों से कुछ भी बना हो तो वो मिक्सचर होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दो चीजों से होने वाला मिक्सचर है। हमने एक और चीज पढ़ी है जिसमें एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड। तो NaCl मिक्सचर नहीं है, वो एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na है और Cl है। वो मिक्सचर तभी बनेगा अगर उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इसमें आप assertion फॉल्स कर लो और रीजन भी फॉल्स है, सो बोथ अजर्शन एंड रीजन एंड फॉल्स, आपकी ऑप्शन डी बन जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल इज नॉट प्योर सब्सटेंस, इज दिस ट्रू? कोल्ड ड्रिंक और जो सॉइल है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है. कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, शुगर भी होगा, वाटर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है, तो वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता. और सॉइल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिलिका होता है, फिर ह्यूमस होता है, फिर ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, तो वो भी एक मिक्सचर है. एंड रीजन इज सब्सटेंस विच मेड अप ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर मेड अप ऑफ मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट, हेंस दे कम अंडर मिक्सचर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यस मैम, ओके. और ऑप्शन क्या बनेगी इसकी? ऑप्शन इसकी बन जाएगी ए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील इज द अलॉय ऑफ सब्सटेंस. अलॉय समझते हो किसको बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज अलॉय. तो क्या स्टील एक अलॉय है? स्टील एक अलॉय है. उसमें आयरन के साथ क्या होता है? साथ में आयरन के साथ होता है उसमें कार्बन, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. सो यस, स्टील इज अलॉय. और रीजन है, सब्सटेंसेस विच मेक मेड अप ऑफ लेस देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड मिक्सचर. रीजन इज फॉल्स, अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. दिस मेक्स योर आंसर सी ऑप्शन, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. अजर्शन सेज शुगर वाटर इज द सॉल्यूशन वेयर वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है. जब शुगर को पानी में डिजोल्व करते हो, जो पानी है दैट इज द सॉल्वेंट. द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है. रीजन कहता है, शुगर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विद अ लार्ज एरिया ऑफ द सॉल्यूशन ऑक्यूपाइज बाय सॉल्यूट. क्या सॉल्यूट ज्यादा होता है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट. तो रीजन वाली स्टेटमेंट कैसी है? है. और अजर्शन ट्रू है या फॉल्स है? Assertion is true, but reason is false. So, आपका ऑप्शन क्या बनता है? सी, ठीक है. जो एक क्वेश्चन बचा है इसको आप करके आना, कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. ओके ओके, थैंक यू देन, थैंक यू टीचर, थैंक यू बच्चा.